एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो आज जजमेंट आया है, वो मेरे मैं मानती हूँ कि शायद कुछ उसमें नई बातें नहीं है, क्योंकि ये जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 जब से बना है तभी से ही नाइंसाफियाँ हो रही हैं। और इसका मैं उदाहरण ये देती हूँ, क्योंकि जो सफरर होता है, इस पीड़ा को जो पीड़ित होता है उसको बेहतर ढंग से समझता है। हम इस पीड़ा को हमने झेला है और हम 10 साल से इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो शायद मैं बेहतर ढंग से बता सकती हूँ कि ये कोई जजमेंट में कोई नई बात नहीं कही गई है। क्योंकि इसके अंदर जो ये बताया गया है कि जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट जज साहब कहते हैं कि कोई अगर पीड़ित हो इस जो ये कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब एससी एसटी व्यक्ति के साथ अगर कोई मतलब कानून का दुरुपयोग करता है तो उसके साथ क्या, एक एससी एसटी के व्यक्ति जब उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है, उसके साथ कोई शोषण होता है, तो सबसे पहले वो काम पुलिस के पास जाता है। अगर वही पुलिस अगर उसकी बात नहीं सुनती है, FIR दर्ज नहीं करती है, तो तमाम इन्वेस्टिगेशन बैठा दी जाती है। और उसी एससी एसटी व्यक्ति जिसको मतलब ग्रीवियस इंजरी आती है, सेम डे की घटना ही होती है, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, सेम डे की ही घटना होती है, उसको ग्रीवियस इंजरी आती है, जो एससी एसटी का व्यक्ति है ग्रीवियस इंजरी आती है, उसके घर में तोड़ फोड़ होती है, तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती। वहीं दूसरी तरफ जो एक जनरल कास्ट का व्यक्ति है उसको कोई इंजरी नहीं आती, उल्टा उसकी झूठी इंजरी नहीं आती, अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाकर उसी एससी एसटी के व्यक्ति पर FIR दर्ज कर दी जाती है, 308 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर दी जाती। लेकिन एक एससी एसटी व्यक्ति जो होता है उसकी FIR सेम डे दर्ज नहीं की जाती, उसकी FIR दर्ज करने के लिए 5-5 महीने का टाइम लगा दिया जाता है, 5-5 इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी जाती है, मतलब और क्लोज रिपोर्ट कर दी जाती है। तो वो एक जो साधारण व्यक्ति को अपना न्याय का दरवाजा किससे खटखटाए, एक न्याय का दरवाजा खटखटाने के लिए जो एक न्यायालय था, अब तो न्यायालय ने भी वही उसे छीन ली है, तो फिर आखिर वो व्यक्ति आखिर अपनी माफ करे कहाँ करे। तो इसके लिए तो मेरा मानना है ये है कि हम कुछ सजेशंस हैं कि हम लोगों को ये चाहिए कि जो कानून में कि अगर इस हम लोग को एक अलग संगठन बनाने की बजाय कि मैं इस संगठन से हूँ, मैं इस संगठन से हूँ, इस चीज़ को हटाकर एक हमें अम्बेडकरवादी को लेकर कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और इस कानून को लेकर एक आगे बढ़ना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। और दूसरी बात, इस कानून को हमें और मजबूत बनाने के लिए ये करना चाहिए कि अगर हमारे किसी भाई के साथ कि उसकी एलर्जी प्रूव हो और उसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो, तो उसमें तुरंत FIR हो और तुरंत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन बैठा देनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पहले भी बैठती थी, अब भी बैठती थी, कोई नया काम नहीं है। दूसरी बात, जो पुलिस है वेत देने का अधिकार, तो उसमें हमने जो चीज़ नोट करी, हम जो फेस कर रहे हैं इसमें वेत देने का जो अधिकार है MM को है, जो MM को नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो 6 महीने की जो है कि जो एक्यूज है उसको 6 महीने तक बेल दे दी जाएगी, तो उसको थोड़ा समय सीमा आगे भी उसको बढ़ा दी जाए कि उसको 1 साल तक बिल्कुल बेल नहीं देनी चाहिए। और केस की जो समय सीमा, जज हमेशा इसके अंदर की पार्शलिटी करते हैं कि उनकी जो मानसिकता है, जो उच्च जाति वाली मानसिकता है, वो हमेशा बनी ही रहती है, आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली जाएगी, चाहे आप हाई कोर्ट में चली जाएगी, आप सुप्रीम कोर्ट में, तो एक समय सीमा इसकी निर्धारित करी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की समय सीमा इतनी होनी चाहिए, हाई कोर्ट की समय सीमा इतनी निर्धारित होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित करनी चाहिए। एक ही केस को करने के लिए 10-10 साल तक, अभी चार्ज भी नहीं होता, 10-10 साल निकाल दिए जाते हैं, तो ये समय सीमा निश्चित बहुत जरूरी करनी चाहिए। और केस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जज उसके अंदर वहाँ पर बैठ के इतनी गलत चीज़ें करते हैं। शायद जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमें पता है कि हम एक जज के, हमने रिविजन पटिशन भी फाइल कर ली, इस टाइम हम हाई कोर्ट में रिविजन पटिशन फाइल करी हुई है, और जो जज हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके खिलाफ भी हमने एक मतलब याचिका दाखिल करी है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाने वाले वाकई में लोग नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए, बनिए। अगर आप जब हम जैसे साधारण लोग अपने मतलब अपने अधिकार के लड़ सकते हैं, हम दो दो बार जीते, हम हाई कोर्ट भी जीते, हम सुप्रीम कोर्ट भी जीते, तो हम जब जीत सकते हैं तो आपको इतने सारे लोग हैं, आप इसको मजबूती से अपने पक्ष को रखें और ज़रूर जीतोगी, इस कानून को मजबूत बनवाइए, नहीं तो जो बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।